हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिप मूवीज में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई मूवी टैडीज गर्ल। ये कहानी एक हैवान बाप की है जो अपने बेटी को गंदे कांड करने के लिए मजबूर करता था और उसी की मदद लेकर दूसरे लड़कियों की भी जिंदगी दाव पर लगा देता था। मूवी की एंडिंग थोड़ी हटके है, इसलिए गाइस वीडियो आखिर तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत जोई नाम के लड़की से होती है जो अपने हालात से काफी परेशान थी। दरअसल जोई की माँ 6 साल पहले ही गुजर गई थी, जिसके बाद से उसका सौतेला बाप उसे काफी टॉर्चर करता था, जिसमें वो उसके साथ उल्टे सीधे काम तो करता ही था, इसके बावजूद वो दूसरे लड़कियों को फंसाने में भी उसकी मदद लेता था। इसलिए तंग आकर जोई ने आज खुदकुशी करने का फैसला किया था। वो एक गन से अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है और सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते है कि जोई उसके बाप के साथ किसी क्लब में जा रही थी। उसके बाप का नाम था जॉन। जॉन अपने अगले शिकार को फंसाने का प्लान बता रहा था और जोई को भी ये काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब वो दोनों क्लब आकर अपना जाल फेंकते हैं, जहां उन्हें स्टेसी नाम की एक अकेली लड़की दिखती है। तब प्लान के मुताबिक जोई उसके पास जाकर उससे बातचीत करती है और जॉन को उसका फ्रेंड बताकर एंजॉय का लालच देती है, जिसके बाद वो स्टेसी को लेकर अपने घर आते है, जहाँ जॉन उसे सरप्राइज के बहाने अपनी आंखें बंद करने को बोलता है, जिस पर स्टेसी भी मान जाती है। जिसके बाद जॉन उसे लेकर एक कमरे में जाता है और 5 के काउंटडाउन पर आंखें खोलने को बोलता है। स्टेसी भी काफी एक्साइटेड थी, इसलिए गिनती पूरे होते ही वो अपनी आंखें खोलती है। तब जॉन बोलता है वेलकम टू हेल। ये सुनकर स्टेसी आसपास देखती है कि पूरा रूम नरक से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ कई ऐसे हथियार और टूल्स रखे थे जिससे लोगों को मारा जा सके। ये देखकर स्टेसी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रूम की दीवार पर कई लड़कियों के फोटोज लगे थे, जिसमें अब स्टेसी की फोटो भी शामिल हो गई थी, यानी ये सभी लड़कियां जॉन की विक्टिम्स थी। अब अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक और लड़की को देखते हैं, जो एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। तभी पीछे से आ रही कार से वो लिफ्ट मांगती है, जिसे डेपोटी स्कॉट चला रहा था। वो उसे लिफ्ट देता है। तब जेनिफर कार में कई सारी फोटोज देखती है जो मिसिंग लड़कियों की थी, जिस पर स्क्वाड बताता है कि टाउन में मिसिंग लड़कियों की वारदातें काफी बढ़ गई है और वो इन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब सीन दोबारा स्टेसी पर आता है, जिसे अब जॉन ने बुरी तरह से बांध रखा था। तभी उसके पास जोई आती है और उसे बोलती है कि इतना टॉर्चर जॉन के लिए काफी नहीं है और वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करेगा। जोई उसे चाह कर भी यहाँ से आजाद नहीं कर सकती। वो पास ही एक फंदा लगा कर उसे सलाह देती है कि टॉर्चर होकर मरने से अच्छा है कि वो खुद को फांसी लगा ले। अब थोड़ी देर बाद जब जॉन स्टेसी के पास आता है तो देखता है कि स्टेसी फांसी लगाकर मर गई है। वो समझ जाता है कि यह सब करने में जोई ने ही उसकी मदद की है, इसलिए वो जोई के पास जाकर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे स्टेसी के बॉडी को ठिकाने लगाने की सजा देता है। वो जोई के हाथ में एक चेनसॉ देकर स्टेसी के बॉडी को काटने को बोलता है, जिस पर जोई ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। इधर हम डेप्यूटी स्कॉट को देखते है, जिसे एक लेडी ने इसलिए बुलाया था ताकि कुछ बच्चे उसके घर की विंडोज बार बार तोड़ रहे थे। वो उन बच्चों को सजा देने को कहती है, जिस पर स्कॉट उसे समझाता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं। तभी वो बच्चे स्कॉट की गाड़ी भी पंक्चर कर देते हैं और स्कॉट कुछ भी कर नहीं पाता, इसलिए वो कार ठीक करवाने जॉन के गैरेज जाता है, जहां उसकी मुलाकात जॉन के साथ साथ जोई से भी हो जाती है। वो उन्हें अपना प्रॉब्लम बताता है, जिस पर जॉन उसकी कार को टो करके गैरेज ले जा रहा था। तब रास्ते में बातचीत के दौरान स्कॉट को जॉन पर शक होता है, क्योंकि उसे उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए वो जब पुलिस स्टेशन आता है तब अपने सीनियर से उसके बारे में पूछताछ करता है। तब शेरिफ बताता है कि जॉन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद उसने भी सुसाइड कर लिया और अब वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, यानी जोई सभी की नजरों में जॉन की बेटी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड थी। इधर हम जॉन को देखते है, जो अपने घर के बाहर बियर ट्रैप लगा रहा था। तभी जोई उसके पास जाती है, तब वो बताता है कि उसने ये ट्रैप डेपोटी के लिए ही लगाया है, क्योंकि वो यहाँ दोबारा आ सकता है। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि आज वो दोबारा पार्टी में जाने वाले हैं। अब हम सीन पार्टी का देखते हैं, जहाँ जोई की नजर बारटेंडर पर पड़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि जेनिफर ही थी। वो उस पर अपना जाल फेंक रही थी, तभी उसे दिखता है कि जॉन ने दूसरी लड़की को ही फंसा लिया है। उस लड़की का नाम था एनी। वो दोनों एनी को लेकर अपने घर आते हैं, पर यहाँ जॉन उसके साथ वही सब कुछ करने लगता है जो पहले उसने स्टेसी के साथ किया था। अब जब एनी भी अपनी आंखें खोलती है तो उसे भी वही भयानक मंजर दिखता है, इसलिए डर के मारे वो जोर जोर से चीखती है, लेकिन तब जॉन उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक मेटल के बेड पर बांधता है ताकि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सके। जोई भी बाहर से सब कुछ देख रही थी, लेकिन इस बार वो एनी की चीखें सुन नहीं पा रही थी।
उसे उसके लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए वहां से निकल जाती है। इधर स्क्वाड जॉन के ऊपर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जॉन मिलिट्री से रिटायर नहीं हुआ था बल्कि उसे निकाला गया था, जिसके बाद यहाँ आकर उसने एक लड़की से शादी की थी लेकिन उसने भी 2 साल बाद सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उसकी 11 साल की लड़की की कस्टडी भी उसे ही मिली थी। अब अगले दिन जॉन दोबारा एने को टॉर्चर करने जाता है लेकिन जोई को उसे और तड़पाना देखना नहीं था, इसलिए वो अपनी गन लेती है और सीधा जॉन पर तान देती है। ये देखकर जॉन भी घबरा जाता है लेकिन अगले ही पल वो एनी को गन पॉइंट पर लेकर वो गन उसके मुंह में लेने को कहती है। वो उसे बताती है कि जॉन एक हैवान है और तुम्हें तब तक टॉर्चर करेगा जब तक तुम मर नहीं जाती, इसलिए खुद ही सुसाइड करके मर जाए। ये सुनकर एनी पहले तो उसकी बात नहीं मानती लेकिन कोई रास्ता न होने की वजह से वो खुद को मार देती है। इधर स्क्वाड टाउन के स्कूल में जाता है ताकि वो जॉन के उस बच्चे का पता लगा सके जिसकी कस्टडी उसे मिली थी। तब स्कूल से उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जोई ही थी, इसलिए वो जोई के पास आकर उसे बोलता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो चाहे तो उसकी मदद ले सकती है। जिस पर जोई बोलती है कि उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एकदम ठीक है। स्क्वाट अभी भी यह नहीं जानता था कि लड़कियों की किडनैपिंग जॉन कर रहा है, लेकिन उसे यह पक्का मालूम था कि जॉन में कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब जॉन और जोई दोबारा बार में जाते हैं जहाँ इस बार उनका शिकार कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही थी। जॉन जेनिफर के साथ काफी प्लर्ट करता है और उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है। तब जोई उसे बोलती है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो जेनिफर को बचाना चाहती थी लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती, और इधर जॉन एक ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर वो ड्रिंक जेनिफर को देता है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है और वो लोग उसी हालत में उसे अपने घर लाते हैं। लेकिन इस बार स्क्वाड भी उनका पीछा करते हुए वहां आ गया था। अंदर जॉन ने जेनी को शॉक देना शुरू कर दिया था लेकिन जोई उसे तड़पता हुआ बिल्कुल देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो तो वहां से निकल जाती है। इधर स्क्वाड घर के बाहर तक तो आ चुका था लेकिन तभी उसका पैर उसी ट्रैप में पड़ता है जो जॉन ने उसी के लिए ही लगाया था। वो पैर अटकने की वजह से चीखता है, जिसकी आवाज सुनकर जॉन और जोई उसके पास आते है। तब जॉन स्क्वाड को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। तब तक इधर मौके का फायदा उठाकर जेनी पर अपने हेयर पिन से खुद को आजाद करती है। अब जब जॉन स्क्वाड को लेकर उस रूम में जाता है तो देखता है कि जेनिफर वहां से भाग गई थी, इसलिए वो अपनी गन लेकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर छिप कर उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। इधर जो स्क्वाड पर नजर रखे हुए थी तब स्क्वाड उसे समझाता है और जेनिफर की मदद करने को बोलता है, लेकिन जेनिफर भी बड़ी बहादुर थी। वो जॉन का ही चेनसॉ लेकर उसके सामने आती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन जॉन भी हैवान से कम थोड़ी ही था, वो जेनिफर पर हमले किए जा रहा था। तभी जोई गन लेकर वहां आती है और जॉन पर तान देती है। तब जॉन बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका बाप है, जिस पर जोई बोलती है कि उसका बाप बरसों पहले मर गया है। ऐसा बोलकर वो उसके सीने में लगातार गोलियां बरसाती है जिससे जॉन घायल होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो पास पड़ा चाकू उठाकर जॉन का गला काट देती है जिससे जॉन आखिरकार मारा जाता है। जिसके बाद हम सीन कुछ दिनों बाद का देखते हैं जहाँ स्क्वाड के पास उसकी साथी ऑफिसर आती है और उसे उस 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है जो और कोई नहीं बल्कि जोई थी। यहाँ स्क्वाड उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो नहीं चाहता था कि जोई के बारे में बाकी लोगों को भी पता चले। इधर हम जेनिफर और जोई को एक साथ देखते है जो टाउन के रेपिस्ट को पकड़ कर जान से मार रहे थे, और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।